हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द अकेला स्टोरी का समर्थन हिंदू संगठनों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत आज हजारीबाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा फिल्म द अकेला स्टोरी को कॉलेज के युवक युवतियों को फ्री में दिखाया गया। इस दौरान भारी संख्या में युवक युवतियों ने इस फिल्म का आनंद लिया। छात्राओं, जो छात्रा बहने हैं और भाई लोग हैं, उन लोग के लिए फ्री में हम लोग के द्वारा एबीपी के द्वारा उन लोग को द केरला स्टोरी मूवी दिखाया गया। और यह मूवी सभी को देखना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से जागरूक हो और हमारे जो धर्म के प्रति जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग सब मिलके आवाज़ उठाना होगा। फिल्म बहुत अच्छी थी और फिल्म के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जो भी बहने हैं वो जागरूक रहे कि अपने धर्म के प्रति क्या हमको करना है। फिल्म तो बहुत अच्छी है और सुपर डुपर हिट भी है। और इसमें ये दिया गया है कि दोस्ती कीजिए, मना नहीं है, बट किसी का धर्म परिवर्तन मत कीजिए। किसी को बहकाना भी नहीं चाहिए। अगर आप जात पात लेकर के या धर्म लेकर के किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें ये दिखाया गया और किसी को बहकाना भी नहीं चाहिए। फिल्म देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। एवीवीपी पहपुर में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के प्रति हो, और ऐसा कार्यक्रम आज भी आयोजित हुआ इसी प्रकार का। और हम आश्वासन देते हैं कि भविष्य में भी एवीवीपी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम लाएंगे जिससे महिला बहनों को पता चले कि उनके सम्मान के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उचित है। और उससे भी पहले देखा जाए तो मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू के नाते मैं सभी लड़कियों को, सभी युवा दल को, अपने समाज के, अपने भारत के प्रत्येक आदमी को कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने ग्रंथ को जाने, अपनी सभ्यता को जाने, हमारे पूर्वज ने आखिर हमें क्या सिखाया उसे जाने। रामगढ़ के पुरानी सदर अस्पताल प्रांगण में झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले सदर अस्पताल रामगढ़ की ब्लड बैंक शाखा की डॉक्टर रेणु कुमारी और उनकी टीम से पंकज कुमार और अजित कुमार रजक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में कुल 41 यूनिट रक्त विभिन्न ग्रुपों के रक्त दाताओं से लिया गया, जिसमें नेगेटिव ग्रुपों की कुल संख्या 3 रही। ये संस्थाएं जो है ये रामगढ़ की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, ठीक है ना, और ये मोटिवेट होके इनका मानना है कि जब ब्लड की कमी है और उनका जो मेन वर्क ब्लड से है और उनको मेन इशू पता है कि ब्लड की कितनी कमी होती है और लोगों को नहीं मिल पाता, तो जो इनका मकसद है उन्होंने उस मकसद को और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया और इन्होंने अपने मिशन मोड में इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया कि हम हर 6 महीने पर या हर मतलब इस चीज़ को बढ़ाएंगे ताकि कोई भी जिसको ब्लड की ज़रूरत हो रामगढ़ ज़िला में उसे कोई कमी महसूस नहीं हो। हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है और ख़ास तौर पर सभी लोग यहाँ जो आए हैं वो ज़्यादातर लोग पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और जब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग खुद ब्लड डोनेशन करते हैं आम जनता के लिए तो जनता के बीच में काफ़ी अच्छा संदेश जाता है। ऐसे भी हम सभी लोग जानते हैं कि 120 दिन का ही लाइफ होता है।